फिटनेस की बात करो तो यूनाइटेड स्टेट सबसे आगे है फिटनेस के मामले में, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरह से यूनाइटेड स्टेट की लड़की काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है और अपनी नाम कमाते हैं। और इस लेवल पर चले जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में काफ़ी सारा बॉडी बिल्डर करियर बना लेते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट सबसे ज़्यादा हेल्दी फुल बॉडी बिल्डर हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीमेल और फीमेल भी बॉडी बिल्डर ज़्यादा से ज़्यादा हैं। और आज के समय में एक फ्रेक लड़की ये फीमेल बॉडी बिल्डर कोर्टनी जेकब्स यूनाइटेड से बिलोंग करते हैं, मगर फिटनेस इंडस्ट्री में ज़्यादा यंग होने के नाते में अपने फिटनेस में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और इस लड़की की बात करूँगा, फिटनेस में बात करूँगा, इसकी एज की बात कर लूँ तो इसकी एज है 40 की लमसमी और अपनी फिटनेस इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, मतलब अपनी आप से बॉडी को फिट रखना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। और इसकी हाइट की बात करूँ तो 5'4" के लमसम में है, मतलब 160 सेंटीमीटर। इस फीमेल बॉडी बिल्डर को वेट की बात कर लूँ तो 59 kg है, मतलब 130 पाउंड। और अपनी फिटनेस इंडस्ट्री में 3 बार अपनी बिकनी कॉम्पिटिशन में भाग ले चुके हैं, उसमें से अपने आप सिर्फ 8 बार जीते हैं। कॉम्पिटिशन खेलना इस फीमेल बॉडी बिल्डर को मॉर्निंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर में से एक है, जो काफ़ी सारे लड़कियां एक्टिव रहते हैं फिटनेस इंडस्ट्री में और स्पोर्ट में। ये बॉडी बिल्डर अपनी आप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर है। इसकी इंस्टाग्राम पर फॉलोअर 1 लाख फॉलोअर हैं। ये अपनी एक टाइम में काफ़ी दुबली पतली बॉडी बिल्डर थी और आज के समय में एक फीमेल होने के नाते में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। इसके हस्बैंड भी एक बॉडी बिल्डर हैं, तो अपने आप से कॉम्पिटिशन खेलना इसको काफ़ी हेल्दी फुल लगते हैं। और इसके लिए काफ़ी बॉडी बिल्डर के मामले में काफ़ी हर बॉडी बिल्डर कॉम्पिटिशन को सीरियस लेना चाहते हैं। काफ़ी सारे लड़कियां बॉडी बिल्डिंग में सीरीज नहीं लेते हैं, पर हर बॉडी बिल्डर अगर सीरीज लेना चाहिए। इसकी नेटवर्क की बात कर लूँ तो $2 लाख के लमसम में इसकी नेटवर्क है और हमेशा अपनी फिटनेस इंडस्ट्री में बड़े बॉडी बिल्डर के इस मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। और ये लड़की अपनी फिटनेस में मेहनत करना, डेली जिम में जाते हैं और अपनी रेगुलर जिम में रहने की वजह से फिटनेस इंडस्ट्री